अरे देखो देखो राहुल और योगी जी, तुम दोनों कान खोल करके सुन लो। अब की बार जो चुनाव की कमेटी, जो चुनाव हम लोग प्रचार करने वाले हैं, तो कुछ प्लानिंग तुम लोगों ने सोचा है कि नहीं? मैं बताए दे रहा हूँ किस तरह से प्लानिंग करना है। राहुल तुम भी सुन लो, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें बुलाया है। यहाँ पे बैठक किस लिए मैंने किया है? देखो हुक्का तो बिल्कुल फ्री में पियो, तुम दोनों कोई दिक्कत नहीं, बैठ करके हुक्के पियो और बातें पूरी होगी। और बातें ऐसे होगी कि कोई नाराज मत होना, क्योंकि चुनाव हमारा जो है बहुत खतरनाक जाने वाला है, इसलिए हम बता रहे हैं। तुमने क्या प्लान बनाया योगी जी, मुझे बताइए फटाफट, और राहुल तुम भी बताइए कैसा प्लान तुम दोनों का है। ये पूरी बात मुझे विस्तार पूर्वक समझाई जाए, मेरा ये कहना है। अरे देखो मोदी चचा, देखो मोदी चचा, मैं बताऊं अपनी बात, मैंने तो पूरी अपनी प्लानिंग कर लिया है। तुम देख सकते हो कि मैं अभी कपड़े नहीं पहन रखा हूँ, इसीलिए इतनी ठंडी में प्लानिंग। देखो मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने अपने चुनाव का प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दिया है। और तुम बताओ तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखो योगी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अब चुनाव देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी जी बताएंगे। अब देखो हुक्का तो मैं पीऊँगा नहीं, हुक्का को तो मैं हाथ कभी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं हुक्का से एनर्जी है मुझे। लेकिन योगी जी तुम बताओ कि हमसे क्यों पूछ रहे हो कि प्लानिंग? मेरी तो अलग पार्टी, तुम्हारी तो अलग पार्टी है, प्लानिंग मत पूछो, बस चुनाव लड़ो लड़ो, बस यही करोगे। और प्लानिंग मत पूछना मेरे से, मुझे नाराजगी हो जाती है। मैंने सोचा कुछ दावत करने के लिए मोदी जी ने बुलाया है, बताऊं हाल? अरे हाँ दावत के लिए तो बुलाया है, यहाँ पे दावत के लिए तो मोदी जी वैसे पूछ रहे थे, मैं दावत के लिए तुम्हें बुलाया था। यहाँ बैठो ओके पानी मारो, और स्पेशल तुम्हारे लिए मोदी चाय वाला की दुकान से चाय बनवाता हूँ, तब तुम्हें पिलाता हूँ, फटाफट तैयार। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे देखो मोदी जी, हमारा गोभी बिक गई पूरी की पूरी, एक भी फूल गोभी नहीं बची मेरी। और मैं बंद गोभी भी ले गया था पत्ते वाली, वो भी बिक गई, लेकिन तुम लोगों की गोभी देखो एक भी फूल नहीं बिका है, बोनी तक नहीं हुई है। अब देखो हमारा तो पूरा मौज का मौज है भैया, आज हम जाएंगे अपने घर, फिर वहां पे चैन से खाएंगे और सोएंगे। तुम लोग गोभी ले जाते रहो, बिकती तो है नहीं। देखो मैं एक घंटे के अंदर सारी की सारी गोभी बेच कर आ गया, लेकिन तुम तीनों लोग तो बिल्कुल भी नहीं बेच पाए एक फूल गोभी। अरे क्या लालू साहब झूठ बोल रहे हो, एकदम एकदम ऐसे झूठ कभी नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। हमारे घर में सांप है, ऐसी कहानी मैं बचपन में सुना करता था। लेकिन एक बात बताऊं मैं, तुम बहुत झूठे आदमी हो। अब बताओ तुम एक दिन गोभी ले गए थे, आज सातवें दिन तुमने एक टोकरा क्या गोभी बेच लिया? तुमने तो लगता है कि आसमान में तीर मार दिया। अरे ये सब बातें मैंने बचपन में खूब मजाक किया था। अरे सच बोलो सच, अरे मैं तो अभी खेत से तुड़वा लेकर आ रहा हूँ, ये गोभी बिकी किसकी नहीं है तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से। गोभी नहीं बिकी है मोदी जी की और योगी जी की, हम तो रोज ले जाते हैं, रोज बेच करके 450 रुपये दिहाड़ी पक्की हो जाती है हमारी। देखो राहुल जो बोला तुमने, जो बोला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब बातें। हाँ फालतू फालतू बातें मत करो मेरे सामने, क्योंकि मुझे मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखो तुम्हें, तुमने जो भी नाम लिया लालू का वो ठीक था, लेकिन मोदी और योगी का नाम लेकर तुमने बहुत गलत काम करा है, ये बात बताए दे रहा हूँ। अरे मेरी तो पैकिंग होके जा रही है, अभी स्पेशल बिकेगी, बिकी नहीं है मोदी जी की, ये बोलो सीधी सी बात। अरे अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में? हम तो एक घंटे में एक छापा भेजते हैं पूरा। अभी मैं 25 क्विंटल बेच चुका हूँ सारे दिन में, अभी बेचने वाला हूँ, थोड़ी देर देखते जाओ। हमारे ग्राहक उधर पैकिंग कर रहे हैं और मैं बेचने जा रहा हूँ, फटाफट देखते जाओ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब।